रात जांजगीर जिले के सिवरी नारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धड़दई में कंटेनर में 41 गांव को ठूस ठूस कर गौवंश की तस्करी की जा रही थी, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा गया और पुलिस को सूचना दी गई। पर पहुंचकर ट्रक को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही। इधर छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि गौ माताओं के संवर्धन के लिए तथा कथित करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर किसी भी गौठान में ना तो पानी है और ना ही चारा, जिसकी वजह से एक भी गाय गौठान में नजर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से गायों को बाहर ही घूम कर अपना पेट भरना पड़ता है, जिसका फायदा इस तरह से गौ तस्कर उठाते हैं और गायों को एक जगह एकत्रित कर उसे कंटेनर में भरकर दूसरे राज्यों में कटिंग के लिए भेजकर मोटी रकम कमाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इस तरह की गौ तस्करी की घटना की जानकारी अधिकारी और नेता मंत्रियों को नहीं होती। मीडिया के द्वारा कई बार उन्हें इस तरह की घटनाओं से अवगत कराया जाता है, पर कोई भी इस गौ तस्करी के मामले को गंभीरता से नहीं लेते, जिसकी वजह से गौ तस्कर गौ माताओं को बुड़च खाने में ले जाकर मौत के घाट उतार उन्हें बेचकर अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं। प्रत्येक गुरुवार को गिधौरी से गौ तस्कर गायों को पुल पार कराकर सिवरी नारायण लाते हैं और बैराज के नीचे रास्ते में उन्हें कटिंग के लिए आगे भेज देते हैं। इस बात की भी जानकारी मीडिया ने सिवरी नारायण के एक बड़े नेता और पुलिस अधीक्षक को दी थी, जिस पर एक बार खानापूर्ति के लिए कार्रवाई कर उनका रशीद को बस थाने लाकर गौ तस्करों को छोड़ दिया था। अगर समय रहते छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गौ तस्करों को रोका नहीं गया तो आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में गौ माता की पूजा करने के लिए उनकी मूर्तियां बनवानी पड़ेगी। सूचना मिली थी कि जर्जेरी से सिवरीनारायण रोड में संतोषी मंदिर के पास कंटेनर बाहर MH 12 PQ 1335 में कुछ लोग गाय का अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। मौके पर पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई तो कंटेनर वाहन में 45 नग पैलेट मिले, जिनके ऊपर अभी छत्तीसगढ़ पशु पूर्ता अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी भी कोई बरामद है कैसा? आरोपी जो अभी हिरासत में है और अभी कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी? दो आरोपी। कहाँ के थे? एक आसनसोल का है मोहन बीड़ी और एक रविराज कर्नाटक।